सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक दर्जन नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। ये कार्रवाई राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की शिकायत पर की गई है। जिन नेताओं को जेएमएम से निष्कासित किया गया है उनमें एक नाम पंकज मिश्रा का है। अब ये पंकज मिश्रा कौन है स्पष्ट नहीं है, लेकिन इंटरनेट मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को जेएमएम से निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज जिले के बरहेट से विधायक हैं। हेमंत सोरेन ने पंकज मिश्रा को अपना विधायक प्रतिनिधि भी बना रखा है। पंकज मिश्रा झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव हैं। वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि भी हैं। हेमंत जब भी अपने विधानसभा क्षेत्र भरेट में आते हैं तो पंकज साय की तरह उनके साथ रहते हैं। उनकी अनुपस्थिति में बरहेट विधानसभा क्षेत्र में सारा काम देखते हैं। इंटरनेट मीडिया में वायरल खबर की बात पूछे जाने पर हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा मुस्कुराते हुए कहते हैं, जिस पंकज मिश्रा को जेएमएम से निकालने की बात हो रही है वो मैं नहीं हूँ, वो चतरा जिला के विधायक है। खैर, देखने वाली बात तो ये होगी कि आने वाले समय में इस पूरे मामले में क्या कुछ देखने को मिलता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।